नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएक्स टीवी। मैं हूं निशा। बात करेंगे बड़ी खबर में, कौन सी खबर रही सुर्खियों में। शिक्षकों के 14,540 पदों पर भर्ती के लिए आदेश जारी। सरकारी पदों में नई नियुक्तियों पर लगा कोरोना ब्रेक अब हट गया है। भूपेश सरकार की पहल पर लोक शिक्षण संचालनालय के अंतर्गत विभिन्न संवर्ग के 14,580 शिक्षकों के पदों पर अब भर्ती प्रक्रिया अब शुरू होगी। कोरोना संक्रमण के बाद पहली बड़ी नियुक्ति प्रदेश में होने जा रही है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिए गए हैं। वित्त विभाग द्वारा इसकी अनुमति मिल गई है। गौरतलब है कि प्रदेश में शिक्षकों के विभिन्न संवर्ग के 14,580 रिक्त पदों पर भर्ती की जानी थी। राजधानी रायपुर में पैसों को 10 गुना करने का लालच देकर ठगी करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजधानी में शातिर ठगों ने रुपए 10 गुना करने का झांसा देकर एक किराना कारोबारी से 60,000 रुपए ठग लिए। शातिर बदमाशों ने कारोबारी को तंत्र मंत्र करने का झांसा दिया। पहले 100 का नोट बदलकर 500 रुपए दिखाया, फिर रुपए लेकर सामान लाने के बहाने भाग निकले। घटना मंदिर हसौद थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक कुटेसर में महेंद्र गिलहरे की किराना दुकान है। दोनों सपेरे 10 तारीख को महेंद्र की दुकान में पहुंचे। महेंद्र ने दुकान से 60,000 उन्हें दे दिए। इस पर ठगों ने कहा कि वे इसे 6,00,000 कर देंगे, लेकिन इसके लिए पूजा का सामान लगेगा। सपेरों ने महेंद्र से कहा कि वह उनके लिए भोजन की व्यवस्था करे, रात उसके घर ही ठहरेंगे। दोनों झांसा देकर वहां से चले गए और लौटकर नहीं आए। छत्तीसगढ़ में आज से शुरू होगा सीरो सर्वे। इसके तहत 10 जिलों के 5,000 सैंपलों से होगी जांच। कोरोना मरीजों में हार्ट इम्यूनिटी जांचने में सहायक मानी जाती है। सैंपल में एंटीबॉडी की जांच की जाएगी। कोरोना मरीजों के घर स्टिकर लगाना अनिवार्य। स्टिकर से छेड़छाड़ करने पर होगी कार्यवाही। कोरोना संक्रमित मरीजों के घर स्टिकर चिपकाना जिला प्रशासन ने अनिवार्य कर दिया है। स्टिकर से छेड़छाड़ करने पर एपिडेमिक एक्ट के तहत कार्यवाही की जाएगी। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर भारतीदासन ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए शहर में किए जा रहे जोनवार कार्यों की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए हैं। देश में कोरोना मामले 50,00,000 के पार। 11 दिन में 10,00,000 नए केस। अब तक 82,000 मौत। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 50,00,000 के पार पहुंच गई है। दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से कोरोना संक्रमण भारत में ही फैल रहा है। पिछले 11 दिनों में 10,00,000 नए मामले सामने आए हैं, जबकि देश में पिछले 24 घंटों में 90,123 नए मामले सामने आए और 12,090 लोगों की जान चली गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 50,20,000 हो गई है। इनमें से 82,066 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केसों की संख्या 9,95,000 हो गई है और 39,42,000 लोग ठीक हो चुके हैं। पाक को उल्टी पड़ी नक्शेबाजी। डोभाल ने छोड़ी बैठक तो रूस ने भी लगाई फटकार। चीन का सदाबहार मित्र पाकिस्तान ने SCCO देशों की वर्चुअल बैठक में भारत के खिलाफ साजिश की फिर कोशिश की, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की सख्ती और रूस की झाड़ के बाद इस्लामाबाद के होश ठिकाने आ गए। दरअसल पाकिस्तान ने इस बैठक में एक काल्पनिक नक्शा पेश किया और उसमें भारत की जमीन को भी अपना बता दिया। पाकिस्तान ने इस नक्शे के बाद NSA डोभाल ने काफी सख्ती दिखाई। पड़ोसी देश के इस काल्पनिक नक्शे का विरोध करते हुए मीटिंग छोड़कर चले गए। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि NS डोभाल के नेतृत्व वाला भारतीय प्रतिनिधि मंडल के पाकिस्तान के नक्शे का जोरदार विरोध किया। जया बच्चन पर कंगना का हमला। कौन सी थाली दी है जया जी और उनकी इंडस्ट्री ने। ड्रग विवाद पर जो जुबानी जंग रवि किशन और जया बच्चन के बीच शुरू हुई थी, उसमें अब एक्ट्रेस कंगना रनौत भी कूद गई है। उन्होंने जया बच्चन के बयान को आड़े हाथों लेते हुए उन्हीं पर कई तरह के सवाल दाग दिए हैं। जया बच्चन ने रवि किशन पर जिस थाली में खाया उसी में छेद करने का आरोप लगाया था। अब उसी आरोप पर कंगना रनौत ने जया बच्चन को आईना दिखाया है। रिया मामले में जांच कर रही NCB टीम के सदस्य को कोरोना, बाकी अधिकारी हुए क्वारंटाइन। सुशांत सिंह राजपूत केस में आए ड्रग्स मामले की जांच कर रही NCB टीम का एक सदस्य कोरोना वायरस से संक्रमित हो गया है, बाकी सदस्य भी क्वारंटाइन हो गए हैं। NCB को आज सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व बिजनेस मैनेजर जय शाह और श्रुति मोदी से पूछताछ करनी थी, लेकिन कोरोना के संक्रमण की खबर मिलने के बाद श्रुति मोदी को वापस भेज दिया गया है। आज
की बड़ी खबरों में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे आने वाले वीडियो की अगली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करिए।